इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कितनी जॉब्स दी हैं? ये मतलब कंफर्म नहीं है, कंफ्यूज है भाई साहब, कंफ्यूज है। मैम एक मिनट रुक जाइए जरा, अरे 2 मिनट रुक जाइए, दिक्कत नहीं होगी। लखनऊ में सबसे ज़्यादा अच्छा काम करने वाली कौन कौन सी सरकार रही है आपकी नज़र में? मेरे ख्याल से तो बीजेपी है। सर एक एक मिनट चाहिए आप लोगों से। लखनऊ में सबसे ज़्यादा काम करने वाली सरकार आपको कौन सी लगती है? सबको नो कमेंट। नो कमेंट। आपको सर? नो कमेंट। नो कमेंट। इन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि सरकार सबसे ज़्यादा कौन काम कर रही है। अरे मैम एक मिनट रुक जाइए, बहुत तेजी में नहीं बोलेंगी। आप लोग भागने क्यों लगते हैं भाई? रुकिए जरा, चुनिंदा चुनिंदा व्यक्ति कहाँ से लेके आते हैं? बस उड़ते हुए बनारस से आ गए। उड़ते हुए बनारस से आ रहे? कौन सा रॉकेट लगाए थे? अरे रॉकेट तो क्या ही बताएं, हर एक रॉकेट पड़ा है हमारे पास। हाँ। तो आप लोग क्यों जा रही? रुकिए जरा, आप देखिएगा जरूर न्यूज नशा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और न्यूज नशा का स्पेशल शो का मूड बा। तो आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हूं और यहां पर पूछूंगा कि लखनऊ में अभी तक सबसे ज़्यादा विकास कौन सी सरकार ने किया है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जनता का मूड बा किसको चाहती है वो अगला मुख्यमंत्री, और सबसे ज़्यादा विकास कौन सी सरकार ने किया। आइए देखिए, यहाँ पे कुछ युवा भी आ रहे हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। क्या नाम है आप लोगों का? मेरा शाश्वत है। और आपका? प्रियांशु। लखनऊ में सबसे ज़्यादा काम करने वाली सरकार कौन सी आपकी नज़र? सबसे ज़्यादा काम करने वाली योगी सरकार लखनऊ में। हाँ कह सकते हैं। लखनऊ में योगी सरकार ने क्या क्या किया? क्या क्या किया का, जैसे मेरे घर के पास एक रोड है, आपने सुना हो कुकरेल नाम की होगी, एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, तो काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी। सबसे ज़्यादा काम 10 साल से रुकी हुई थी वो। क्लाइंट्स को भी ला रही, जैसे अभी आपका एचसीएल आया है, एचसीएल के बाद एचसीएल तो अखिलेश यादव ने लाया नहीं, एक्चुअली तो अभी तो वर्क उसी पे वही कर रही है, क्योंकि जितनी मतलब यहाँ एचसीएल लाने वाला काम अखिलेश यादव का। इसके बाद वो IBM को ला रहे हैं, IBM या एक और कोई ला रहे हैं, अभी आई नहीं है, आ रही है। अच्छा, सब जो काम हो चुका है अभी तक सबसे ज़्यादा किसने किया? सबसे अधिक देखिए, जैसे टेन्योर बाकी सबका ज़्यादा था तो उस हिसाब से जज नहीं कर सकते। टेन्योर की अगर बात करें तो 3-3 साल जोड़ लीजिए, सबका पिछला 3-3। सबसे ज़्यादा काम किसने? सबसे ज़्यादा अगर वैसे देखें 3-3 साल तो भी मैं योगी को ही हूँ। योगी को आप क्यों? आप योगी कोई 5 काम बताइए जो बड़े काम हो लखनऊ से। लखनऊ के अलावा भी उन्होंने बहुत किया, जैसे लखनऊ पे पूछ रहे हैं, लखनऊ 5 काम बताइए जो सबसे ज़्यादा क्या हो। जैसे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप किया। कौन कौन से? रोड्स, जैसे एक कोई कॉरिडोर बन रहा है पूरे इंडिया का, तो वो लखनऊ से हो के चारों तरफ जा रहा है। 5 काम गिना दीजिए आप, कोई भी 5। अभी जैसे ये जो कोरोना काल चल रहा था उसमें कितनी जॉब्स दी हैं, पेपर में भी निकला था ये चीज़, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कितनी जॉब्स दी हैं? कितनी दी है मतलब कंफर्म नहीं है, कंफ्यूज है भाई साहब, कंफ्यूज हैं। और भी आगे चलते हैं, पूछते हैं लोगों से कि सबसे ज़्यादा काम लखनऊ में करने वाली सरकार कौन सी है, किसकी सरकार लखनऊ की राजधानी में सबसे ज़्यादा काम की है और लोग किसको सोचते हैं, किसको जानते हैं। क्या नाम है आपका? जैनिन सिन्हा। जैनिन सिन्हा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदर्श पाल। हाँ, लखनऊ में सबसे ज़्यादा काम करने वाला सरकार कौन सी रही है अभी तक? वैसे तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह के मामले से देखा जाए तो अखिलेश यादव का सबसे सही रहा है और मायावती ने भी बहुत अच्छा किया है, बट योगी जी का है कि एक तो क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं और उसके बाद जो है ये सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, मतलब। हाँ, आप लोगों से 2-2 मिनट चाहिए, रुक जाइए। लखनऊ में सबसे ज़्यादा अच्छा काम करने वाली कौन कौन सी सरकार रही है आपकी नज़र में? मेरे ख्याल से तो बीजेपी है। बीजेपी ने लखनऊ में क्या किया? मतलब अभी देखिए काफ़ी साफ़ रहता है ये, यहाँ पे पार्क में भी ज़्यादा गंदगी नहीं रहती है, और जैसे कि ये जैसे तारवार लगाने का ये फिर हो गया। जो 5 बड़े काम बीजेपी के बताइए। 5 बड़े काम जैसे कि अभी जैसे मैंने बताया सफाई हो गया, और फिर और बाकी तो फिर अभी नहीं बता पाएंगे। 5 काम बताइए आपके सबसे ज़्यादा कौन सी सरकार ने किया, कौन सी आपकी सरकार लगती है लखनऊ अच्छा काम किया है? मैं इन सब में इतना पढ़ता नहीं हूँ। क्या लगता है कौन सी सरकार ने सबसे अच्छा काम किया? आप उन सब को भी देख सकते हैं, अखिलेश यादव को, उन सब का भी ये पार्क इतना बड़ा बनवाया है उन्होंने, वो भी काफ़ी अच्छा काम है। अच्छा। और बीजेपी का भी इतना है कि ये काफ़ी सफाई इन सब में काफ़ी रहता है, तो दोनों का ही काफ़ी है। लखनऊ में कितने साल से हैं? 2014 से। 2014 से। लखनऊ में अभी तक सबसे ज़्यादा काम करने वाली कौन सी सरकार रही है? अब यह तो आप देख ही रहे हैं। अरे हम नहीं देख रहे हैं, आप बता दीजिए। वो तो आप देख ही रहे हैं, बता दीजिए आप। वो तो आप देख रहे, हमारा बताने की जरूरत क्या पड़ेगा, वो तो आप खुद देख रहे हैं। वो नहीं देख पा रहे तभी पूछ रहे, पब्लिक भी देख रही है। सब आप बताइए ना, लखनऊ में सबसे ज़्यादा कौन सी सरकार ने काम किया? अखिलेश जी ने। क्यों अखिलेश जी ने काम किया? क्या अखिलेश जी हर चीज़ काम दिखाई दे रहा है। आगरा एक्सप्रेस है, ये देखिए पार्क में, जिस पार्क में खड़े आज उन्हीं की देन है। यहाँ पर खड़े मछली हमें चुनाने का अच्छा मिल गया तालाब की, यहाँ पे एक यही काम उनका कर ले रहे हैं। तो आप देख रहे थे, हम बात कर रहे थे कि लोगों का काम मूड है और लोग लखनऊ में किसको जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा काम किए सरकारों ने। यहाँ कुछ और युवा आ रहे हैं, उन लोगों से पूछेंगे। इधर आओ, क्या नाम है? आशुतोष यादव। आशुतोष, क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ, पास में आओ। आकाश यादव। आकाश, इधर आओ। क्या करते हो? बीटेक है सर, फाइनल ईयर। सबका बीटेक है? मेरा भी बीटेक है। हमारा भी बीटेक, 11th है। 11th। अच्छा ये बताओ, लखनऊ में सबसे ज़्यादा काम करने वाली कौन सी सरकार है? सर सबसे ज़्यादा काम करने वाली तो सपा ही है। देख लीजिए आप, जहाँ भी देखेंगे इस टाइम पे सारा काम उसी उन्हीं का है। कोरोना में जो भी काम आया है, 150 हो गया, 1090 150 हो गया, एम्बुलेंस हो गया, सारे काम तो उन्हीं के हैं। योगी आदित्यनाथ ने काम लखनऊ नहीं किया? जहाँ तक अभी ऐसे कुछ धरातल पे कोई काम नहीं है जो मतलब जनता को दिखे। कुछ किया होगा उन्होंने अंदर अंदर, पता नहीं है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है, दिखने वाला कोई काम नहीं। दिखने वाला कोई काम नहीं है। 1090 महिलाओं के लिए किया, और जो पब्लिक प्रोटेक्शन के लिए 100 नंबर डायल किया, और योगी जी ने बस इनका क्या किया, बस नाम बदलवा रहे हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। जबकि हम स्टूडेंट के लिए कुछ काम करना चाहिए, एजुकेशन। लखनऊ में सबसे ज़्यादा काम किसने किया? अखिलेश यादव ने। जी योगी आदित्यनाथ ने? जी नहीं। देखिए जो आई टी सेक्टर है, जैसे एचसीएल वाली जो कंपनी आई है, वो 2016 में उन्हीं की। जैसे हम लोग तो स्टूडेंट है ना, बीटेक फाइनल सीएस के स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस के। कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज से हो? जी एकेटी यूनिवर्सिटी है, लेकिन कॉलेज रामेश्वरम है, वो तो सीतापुर रोड पे है। तो क्या लगता है जो हम लोगों के लिए जो काम किया गया है, जो हमें दिखता है कि जो आईटी कंपनी है, जैसे एचसीएल के जो आईटी हब है वो सुल्तानपुरा रोड पे, उन्हीं का काम किया हुआ है। अभी इस टाइम पे जैसे कि मुझे तो नहीं दिख रहा कुछ ऐसा कुछ काम जो है जो स्टूडेंट के लिए भी हो। या फिर देखिए स्टूडेंट के लिए उन्होंने काम किया, लैपटॉप दिया। फिर लखनऊ में सबसे ज़्यादा काम किसने किया? लखनऊ में काम तो सबसे ज़्यादा उन्हीं का दिखता है। क्या नाम है भाई आपका? रेहान खान। रेहान कहाँ के रहने वाले हो? रेहान वाराणसी। अच्छा रेहान ये बताओ, लखनऊ में कितने साल से हो? लखनऊ में मैं अभी आया हूँ, 3 दिन पहले आया हूँ मैं। 3 दिन पहले आया हूँ। अच्छा लखनऊ में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे अच्छा काम कौन सी सरकार का लगा? सरकार तो भाई एक्चुअली मैं ये पॉलिटिक्स एंड ऑल में भरोसा ही नहीं। कौन सा काम लखनऊ में सबसे अच्छा? लखनऊ में भाई मुझे पार्क अच्छे लगते हैं। कौन से पार्क अच्छे लगते? जनेश्वर ऑब्वियसली। क्या और क्या अच्छा लगा? लखनऊ की रोड, लखनऊ के लोग, लखनऊ की लैंग्वेज। क्या बनारस का नहीं अच्छा लगा? बनारस अपना एक अलग टेस्ट है, वो होली सिटी है, उसका अलग ही टेस्ट है। बाबा की नगरी है वो उसका अलग फ्लो है, इसका अलग टेस्ट है, उसका अलग। जनेश्वर अच्छा लगा? जनेश्वर अच्छा लगा ऑब्वियसली। और लोगों से पूछते हैं। सर 1 मिनट का समय चाहिए आपसे। लखनऊ में सबसे ज़्यादा अच्छा काम करने वाली आपकी नज़र में कौन सी सरकार है? लखनऊ में अच्छा काम करने वाली तो अखिलेश सरकार ने भी बढ़िया किया है, और हमारे योगी जी तो कर ही रहे हैं। क्या किए? ये 5 काम बताइए योगी जी के, 5 काम बता दीजिए अखिलेश जी के जो आपको अच्छे लगे। अखिलेश जी का तो जैसे ये रहा कि आपका ये मेट्रो का शुभारम्भ किया, और ये स्टेडियम का भी बनाया, और ये अस्पताल बनाए बच्चों के अच्छे, तो कई तरह के काम। जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया। जनेश्वर मिश्रा तो है ही, इसमें तो टहली। योगी जी का 5 काम बताइए जो लखनऊ में किया हो। अच्छा योगी जी ने तो सबसे अच्छा तो भ्रष्टाचार पे रोक लगाया है। लखनऊ में जो काम किया उन्होंने 5 में क्या, उनका तो पूरा यूपी का चल रहा है। अच्छा लखनऊ की मैं पूछ रहा हूँ। लखनऊ में तो ये कह लीजिए कि लखनऊ में क्या कह लीजिए, लखनऊ में तो जो है आज सफाई का सबसे बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा है, जिससे जो हजारों बीमारियाँ दूर हो गई हैं। और मेन तो बड़ी बीमारी से जो है उन्होंने बचाया है। हाँ काफ़ी उसका इंतजाम किया सबके लिए, कि सबके लिए व्यवस्था की। नहीं 5 काम अगर आपको पसंद हो जो आप बताना चाहें। तो 5 काम तो राम मंदिर भी बनवाया। राम मंदिर शुरुआत की है। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। बताइए अब ठीक है इतना भैया, इतना बहुत है। आप देखिएगा जरूर न्यूज नशा। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे गार्ड साहब है, कितना घंटा ड्यूटी करते हो आप? 8 घंटे। 8 घंटे। क्या नाम है? अविनाश कुमार। अच्छा अविनाश, क्या लगता है सबसे अच्छी कौन सी सरकार थी लखनऊ के लिए? फिलहाल तो योगी सरकार बढ़िया है। कहाँ के रहने वाले हो? आजमगढ़ के। आजमगढ़। क्या लगता है कि अगली बार कौन सी सरकार आएगी? अब अगली बार तो जनता पर निर्भर करता है, काम काज जैसा चल रहा है। क्या लगता है तुम्हारा क्या उम्मीद है? उम्मीद तभी तो फिर भाजपा की है। फिर भाजपा आएगी 22 में। और आजमगढ़ में? आजमगढ़ में तो बहुत वहाँ टक्कर रहेगी। उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है राजधानी लखनऊ में आपका सबसे ज़्यादा काम करने वाली कौन सी सरकार रही है? क्या बताएं, सरकार से हमें मतलब कि कुछ फ़ायदा तो हमें होता नहीं है। सपा सरकार ने बड़ा बढ़िया काम किया, सपा बीएसपी ने। योगी आदित्यनाथ ने देखा ही नहीं, हमने कुछ देखा ही नहीं मैंने डेवलप होते हुए लखनऊ में उनके आने के बाद। और उनके पहले बहुत सारी चीज़, जैसे ये सब पार्क देख लीजिए आप, रोड वगैरह देख लीजिए। अभी आपका लव लेन के, अरे क्या नाम है आपका, वो जो है रिवर फ्रंट के जस्ट सामने जो बिल्डिंग बन रही, तो कितने साल से रुकी हुई है। जयप्रकाश नारायण कन्वेंशन सेंटर में भी शायद यही रेड वाले की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, बट इतने साल से रुकी हुई है। सरकार कब कितने साल से आई, बट अभी तक बना नहीं। वो तो फ़ायदा कैसे सरकार का? शहीद पथ जो रोड साइकिल पथ था उसको तोड़ने का क्या फ़ायदा था? कोई यूज़ उसका, कोई मिसयूज़ था? कुछ गलत काम तो नहीं करते रहे लोग ईजिली के लिए साइकिल चला के अपना जाते रहे, क्यों रोड पर तोड़ा गया? कोई मतलब था नहीं। आप बताइए, मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं सही हूँ गलत तुम्हें को नहीं पता। रहने वाला है मैं बनारस। बनारस में कोई काम हुआ? अच्छा, बहुत सारे काम हुए बनारस में। किसने कराया है? बीजेपी ने क्या किया? 5 काम। घाट का पूरा सफाई कराया है, मंदिर बनवाया है, बहुत सारी रोड्स अच्छे अच्छे हुए हैं, बट कॉलोनी वगैरह में उतना प्रॉपर काम नहीं हो रहा। अच्छा, बनारस में पिछली सरकार और आपकी सरकार, और लखनऊ में पिछली सरकार और आपकी सरकार में कौन सी सरकार लगती है अच्छा काम की? सरकार देखा सभी अच्छा काम किए, बट ये कि प्रेजेंट सरकार जो है वही बोलेंगे लोग बीजेपी, तो हम ही बोलेंगे बीजेपी। आप क्यों सब वही बोलेंगे तो आप भी क्यों? सपा के, हमें सपा ज़्यादा पसंद है। आपको कौन सा लगता है कौन सा मुख्यमंत्री बने? अब ये तो अगर मैं नॉलेज होता तो मैं बोलता हूँ। आपका क्या पसंद? मे बी अखिलेश यादव, मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट मे बी अखिलेश यादव। लखनऊ में सबसे ज़्यादा काम किसने किया? लखनऊ में हाँ, अखिलेश यादव, मायावती। इनका कहना है अखिलेश यादव मायावती ने सबसे ज़्यादा काम किया। फिलहाल और भी युवा आ रहे हैं, उन लोगों से पूछेंगे कि लखनऊ में कौन सी सरकार का उनको काम सबसे अच्छा लगता है। आप लोग भागने क्यों लगते हैं भाई, रुकिए ज़रा। लखनऊ में सबसे ज़्यादा अच्छा काम कौन सी सरकार का आपको लगा अभी तक? सपा सरकार का। सपा सरकार का क्यों लगा, कौन सा काम अच्छा लगा? सपा सरकार में आदमी बहुत नौकरी दिया, आदमी को नौकरी काफ़ी दिया, और बीजेपी सरकार में आदमी की नौकरी बहुत गई, बहुत गई। लखनऊ में सबसे ज़्यादा अच्छा काम किसका रहा? अखिलेश सरकार का। अखिलेश क्यों? कौन सा 5 काम बताइए जो आपको अच्छा लगा। मैं हमारे हिसाब से कौशल विकास उसी का है। कौशल विकास की वजह से काफ़ी आदमी का नौकरी लगा। कौशल विकास तो कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ तो बाद में उद्घाटन कर देते हैं सब चीज़ का। रेलवे लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन अखिलेश यादव ही ने किया था, बाद में योगी बाबा फिर उद्घाटन कर दिए, दो गया। ऐसे 2-3-4 काम है ऐसे, और बता दीजिए। और ये जनेश्वर का भी उन्हीं का है। जनेश्वर उनका है, उद्घाटन उन्हीं किए थे ना, उद्घाटन तो उन्हीं तो किए थे। हाँ, अखिलेश जी ने किया था। अखिलेश जी ने किया था। और अच्छा, आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा काम किसने किया? हमें हमारे हिसाब से अखिलेश बेस्ट है। आपके हिसाब से कौन भाई बेस्ट है? अखिलेश। कहाँ है अखिलेश? वो काम करते हैं। काम करते हैं जी, सच में जी। लखनऊ में सबसे ज़्यादा काम किसने किया? अखिलेश जी। क्या लगता है भाई? अब तो यहाँ पहली बार आया है, हमें भी वही लगता है। क्या किसने काम किया? अखिलेश ने सबसे अच्छा किया। योगी आदित्यनाथ ने, मायावती ने नहीं किया। मायावती जी ने भी बहुत पहले किया था, काफ़ी काम मायावती जी ने भी किया था। अखिलेश यादव का क्यों? अखिलेश यादव जितना उन्होंने काम करके दिखाया 2.5 साल में, उतना बहुत सफिशिएंट है। जो हाईवे, एक्सप्रेसवे सब कुछ बनाया, सब उन्होंने तो बनाया। आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा? अखिलेश यादव। क्यों अखिलेश यादव? क्योंकि उनका कार्य बहुत अच्छा है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? हम तो चाहेंगे कि अखिलेश यादव दोबारा आए। लखनऊ में सबसे ज़्यादा काम किसने? हम तो अखिलेश जी को ही कहेंगे। तो आप लोग क्यों जा रही? रुकिए जरा। क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा काम लखनऊ में किसने किया? अखिलेश यादव ने। क्यों अखिलेश यादव? क्यों योगी आदित्यनाथ, मायावती ने नहीं काम नहीं किया? लेकिन हम लोगों को अच्छा अखिलेश यादव का लगा। अखिलेश यादव का अच्छा लगा। आप लोग, आपको किसका अच्छा लगा? पता नहीं, नहीं पता। आप लखनऊ पहली बार आई हैं क्या? हाँ। ये देखिए, ये चीज़ है, लोगों को सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव का काम अच्छा लगा। खासकर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की और युवाओं की सबसे ज़्यादा उन लोगों को अखिलेश यादव पसंद है। बुजुर्गों को भी बड़ी संख्या में अखिलेश यादव पसंद है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज़्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।